नमस्कार भक्तों हर हर महादेव जो औरत रोज घर में पूजा करते समय इन बातों का रखती है ख्याल उसके घर से मिट जाती है गरीबी पति बन जाता है माला माल घर में को भी किसी भी प्रकार का क्लेश हो हो जाता है दूर बस आपको पूजा करते समय इन खास बातों का ध्यान रखना है जरूरी क्या है वो खास बातें तो आइए जानते हैं दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सुबह शाम भगवान की पूजा आरती करने का विधान है जो कि सदियों से चलता आ रहा है और अगर इसमें आप इन सही नियम से पूजा पाठ नहीं करते हैं तो इसका आपको आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है और आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है यह गलती अक्सर ज्यादातर लोगों से होती है क्योंकि उनको पूजा के सही नियम पता नहीं होते इसलिए वो पूजा तो रोज करते हैं मगर उनको इसका विपरीत असर देखने को मिलता है घर में शांति होने की वजह क्लेश रहती है और धन घर में आता नहीं है और अगर गलती से आ भी जाए तो आने से पहले उसके जाने के रास्ते तैयार हो जाते हैं तो अगर आपके घर में भी धन नहीं टिकता है तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लें और जान लें घर में रोज पूजा करने के नियम तो आइए जानते हैं कि हमें रोज पूजा पाठ करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमसे पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी भूल ना हो तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में पूरे बने रहिए बीच में जानकारी छोड़ कर जाओगे तो भूल कर दोगे तो मित्रों तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको कभी भी कोई भी पूजा में किसी भी देवी देवता की पूजा को शुरू करने से पहले आपको हमेशा ही सबसे पहले भगवान गणेश की या तो आप पूजा करें या फिर अगर आप ऐसा ना कर सकें तो आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम जरूर करें क्योंकि इसके पीछे ऐसी मान्यता है दोस्तों कि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले अगर आप भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि कोई भी पूजा करें चाहे छोटी हो या बड्ढी तो आपको उस पूजा से पहले भगवान गणेश को प्रणाम जरूर करना चाहिए साथ ही आप ये भी याद रखें कि आप जब अपने घर के मंदिर में भगवान के लिए दीपक जलाएं तो उसको हमेशा ही भगवान के दाएं तरफ रखें कभी भी बाएं तरफ ना रखें क्योंकि दाएं तरफ रखना शुभ माना जाता है तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए इसके साथ ही आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब भी भगवान की पूजा करें तो उस समय आप भगवान की पूजा करने से पहले भगवान को तिलक तो लगाएं ही मगर साथ ही आप अपने माथे पर भी तिलक लगाएं क्योंकि ऐसा करने से आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए भगवान को तिलक लगाने के बाद आप खुद भी तिलक जरूर लगाएं अगला जरूरी नियम दोस्तों तो आपको बता दें पूजा पूरी हो जाने के बाद शंख और घंटी को बजाने का खास महत्व होता है क्योंकि अगर आप पूजा के बाद शंख और घंटी बजाएंगे तो इससे घर और मन स्वच्छ होता है तो आप हमेशा ही याद रखें कि पूजा पूरी होने पर शंख और घंटी जरूर बजाएं अगर शंख ना बजा सकें तो घंटी जरूर बजाएं इसके साथ ही इस बात का इस नियम का आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी पूजा में जो फूल ढाते हैं तो उसमें कुछ लोग उन फूलों को शाम के समय ही तोड़ कर रख लेते हैं मगर आपको बता दें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको वो फूल शाम के समय नहीं तो चाहिए आप फूलों को शाम के समय से पहले ही तो कर रखे लें अब बात करते हैं अगले जरूरी नियम की तो मित्रों सनातन धर्म में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको दीपक जलाना भी जरूरी होता है यानी कि आपके घर के मंदिर में दिन में दो समय तो दीपक जलना ही चाहिए तो यदि आप पूजा के दौरान दीपक नहीं जलाते हैं तो इसके आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं ये आप जरूर ध्यान में रखें और पूजा घर में रोज सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं तो मित्रों आप पूजा में इन नियमों का जरूर ध्यान रखें अगर और भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें धन्यवाद हर हर महादेव